हे फ्रेंड्स, मैं अनीश और आज की इस वीडियो में हम फिर से खेलने वाले हैं सोलो वर्जन सोलो का एक मैच और देखते हैं हम इस मैच के अंदर जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते। क्योंकि दोस्तों, मैं सोलो वर्जन स्क्वाड खेलता हूं तो मुझे एनिमी मिलते ही नहीं है, लेकिन अगर सोलो वर्जन सोलो खेलता हूं तो उसमें मेरे को अच्छे खासे एनिमी मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले उतर जाता हूँ और दोस्तों उतरते ही मैं यहाँ से थोड़ी सी लूट कलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मिल चुकी है मुझे ये काफ़ी मस्त गन है। और दोस्तों आप लोगों को भी हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि आप सोलो वर्जन सोलो खेलो या सोलो वर्जन स्क्वाड खेलो, आप लोगों को यही गन लेने की कोशिश करना। अगर मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, ये गन रहेगी तो आप लोग 2-3 किल तो आराम से कर ही लोगे किसी भी फाइट में। तो दोस्तों अभी भी यहाँ पे बंदे उतर ही रहे हैं और मैं उतर चुका हूँ यहाँ पे सबसे पहले, और मेरे पास एक अच्छी गन भी हाथ लग गई है। इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप मेरे जो भी YouTube पे कंटेंट है, जो भी मैं गेम प्ले खेलकर अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग उस एज इट इज़ डाउनलोड करके आप अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो। मैं किसी भी भाई को कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगा और जो भी वीडियो है वो सारे के सारे मैं क्रिएटिव कॉमन ही रखूँगा। यार इससे खुशी की बात क्या होगी कि यार मेरे किसी सब्सक्राइबर के मेरे वीडियो की वजह से उसका चैनल ग्रो हो जाते हैं, मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी। तो आप कोई भी वीडियो मेरा आप अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हो, मैं किसी बंदे को कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगा। और देख सकते हो दोस्तों, ये बंदा यहाँ पे सो गया है मेरे डर से, और ये लीजिए मैंने इसको यहाँ से मार दिया और इसको बंदे को ही गायब कर दिया और इस बैग में ही उठा के डाल दिया और इसकी लूट भी लूट ली। तो दोस्तों आप मेरा कोई भी खेला हुआ गेम प्ले का वीडियो अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हो, आप पूरा का पूरा वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करके मोनेटाइजेशन भी ऑन कर सकते हो, और मैं सारे वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएटिव कॉमन रखूँगा। और ये इसलिए कि दोस्तों, क्योंकि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर हैं जो छोटे हैं और वो उनको अभी वीडियो एडिटिंग करनी नहीं आती और वो इतना अच्छा स्मूथ गेम प्ले भी नहीं खेल पाते, जिसकी वजह से उनको मतलब काफ़ी दिक्कत परेशानी होती है और वो भी मतलब गेम प्ले करके अपने चैनल पर अपलोड करना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं हो रहा था, आप मेरे चैनल के जो भी गेम प्ले है मेरे खेले हुए आप लोग अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इसके साथ मैंने एक बंदे को स्पॉट कर लिया और पीछे से मेरे पास यहाँ पे हो रही है बुलेट फायर, और मैं लीजिए पहले इस बंदे को मैं किल कर देता हूँ। तो ये लीजिए, मैंने उस बंदे को ढेर कर दिया और अब मैं देखता हूँ पीछे की साइड ये रहा। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने इसको इस बंदे को भी यार काफ़ी यहाँ पे अच्छा खासा यार इसकी हेल्थ को डैमेज इस बंदे को डैमेज दे दिया। इसकी हेल्थ अभी इतनी ज़्यादा नहीं रही होगी और एक दो गोली के अंदर ही मर जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं ये खड़ा ये बंदा, और ये लीजिए मैंने इसको भी ठोक दिया। और मैं चलिए यहाँ से इसके जो भी सामान है उसको लूट लेता हूँ और इसकी डेड बॉडी को भी अपनी बैग में डाल लेता हूँ। और दोस्तों देखते हैं इस बंदे के पास क्या आता था। इस बंदे के पास तो कोई इतनी खास लूट नहीं थी। तो दोस्तों इसी के साथ हो चुके हैं मेरे पास यहाँ पे 3 किल और 30 अभी अलाइव है, एक को और किसी ने टपका दिया, चलो मेरे हाथों से मरने से बचा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या है कहाँ है। और मैं यहाँ पे कंटिन्यू दौड़ रहा हूँ और मैंने थोड़ा वीडियो को यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि स्पीड से मैं आप लोगों को अच्छा सा ये गेम प्ले दिखा सकूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अपनी हेल्थ रिकवर कर ली है दोस्तों, और उसके बाद मैं बढ़ता हूँ अब आगे। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, मैं जैसे कि आप मेरे चैनल पर आपको कोई भी वीडियो अच्छा लगता है और आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो बस आप लोगों को सिंपली जो YouTube के आगे SSS लिख देना है, ठीक है, जो YouTube की लिंक होगी उसके आगे https://:// के बाद आपको SSS करके YouTube लिख देना है और उस वीडियो की लिंक डाल देनी है और आप लोग उस वीडियो को ईजिली डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। इस तरह से आप मेरे जो भी वीडियो चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे दौड़ रहा हूँ और दौड़ते देखते हैं यहाँ पे और कितने मुझे किल मिल सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास हो चुके हैं 3 किल और यहाँ पे इस मकान के अंदर मुझे मिला है एक सड़ा सा मरा सा एक हेलमेट, जो कि मैं उसको नहीं उठाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास लेवल 3 का हेलमेट है और लेवल 2 का बैग भी है। तो ऊपर की ओर बढ़ते हैं और चारों तरफ देखते हुए, यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है, दूर दूर तक सन्नाटा है, पता नहीं ये बंदे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे एक मकान है, मकान के यहाँ भी बंदे नहीं हैं। तो शायद अब ये बंदे मेरे ख्याल से सर्कल के उस साइड होंगे और मैं सर्कल के इस साइड हूँ। और दोस्तों मैंने यहाँ पर एक बंदे को स्पॉट कर लिया, ये किसी के साथ फाइट कर रहा था। तो ये लीजिए, इस पर हम जो भी लूट का सामान मिलता है वो हम यहाँ पे लूट लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम अब आगे बढ़ते हैं फिर से। तो अब और यहाँ पे इसे सामने उस बंदे का कैरेट पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को। तो ये इस बंदे के साथ फाइट कर रहा था,
तो वहाँ से मैंने बॉडी आर्मर उठा लिया, जो कि हो सकता है लेवल 3 का है, मुझे अच्छे से नहीं पता लेवल 3 का था कि 2 का था, लेकिन मैंने उसको ले लिया। और यहाँ पे मैंने एक और बंदों को स्पॉट किया और ये लीजिए मैंने उसको भी इजीली किल कर दिया। तो देखते हैं इस भाई के पास क्या लूट थी। लूट सिर्फ एक एमओ का पैकेट ही मिला। और मैं यहाँ पे अपनी थोड़ी सी हेल्थ रिकवर कर लेते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, मैंने अपने यहाँ पे हेल्थ रिकवर कर ली और मैं फिर से आगे बढ़ रहा हूँ। और इसी के साथ हो चुके हैं मेरे पास 5 किल। तो यहाँ पे मेरे पास फिर से एक बॉडी आर्मर, ठीक है, नहीं लूँगा इस वेस्ट को मैं यहाँ से। और मैं बढ़ता हूँ अब आगे। और भाई यहाँ पे लेवल 2 का यहाँ पे बैग पड़ा हुआ है, एक 2x का स्कोप पड़ा हुआ है जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। और यहाँ पे इस ये पाने पकड़ पता नहीं क्या है, ये प्लायर वगैरह, तो मैंने इनको भी उठा लिया। अब इसका उठा लिया, इसका क्या यूज़ है वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जो भी है कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा ही इसका भी। तो देखते हैं, यहाँ पे मेरे को किसी के फुट स्टेप की आवाज़ आ रही थी, यहाँ पे बंदा होना चाहिए कोई ना कोई। और वैसे भी दोस्तों यहाँ पे कोई टेंशन जैसी तो बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्वाड तो है नहीं, सब सिंगल सिंगल प्लेयर है। और सिंगल प्लेयरों को तो मैं यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हो, दौड़ा दौड़ा के मारता हूँ। और देखते हैं यहाँ पे तो मुझे फ़िलहाल कोई मिला नहीं, पता नहीं फुट स्टेप तो आए लेकिन वो बंदा किस साइड चला गया नहीं पता। और सामने मुझे दिखाई दे रहा है एक ड्रम। और इस गेम में मैंने देखा है काफ़ी बंदे ड्रम पहन के भी दौड़ पड़ते हैं। ये ड्रम कैसे पहना जाता है इसके बारे में मेरे को नहीं पता। मैं जब भी ड्रम को छूता हूँ तो उसमें से सिर्फ धुआं ही निकलता है, यूज़ करता हूँ तो धुआं निकल जाता है, मतलब धुआं हो जाता है। तो यहाँ पे ये फिर से, और ये ड्रम के पास आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी लूट पड़ी है दोस्तों। एक स्कारल जैसी गन और एक दूसरी गन है। और क्यों ना मैं इनमें से एक गन को उठा लेता हूँ, अपनी गन चेंज कर लेता हूँ पहले। तो मैं पहले ये वाली गन ले लेता हूँ। ये वाली गन काफ़ी अच्छी चलती है और काफ़ी अच्छा डैमेज दे देती है। और नहीं मैं स्कारल ले लेता हूँ, है ना, स्कारल पे स्कोप भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे ले लिया स्कारल। और देखते हैं, और दोस्तों मैंने यहाँ पे एक बंदे को दौड़ते हुए देख लिया। चलो ये अभी स्कारल का यूज़ किया, मैंने यहाँ पे स्कारल का यूज़ किया, स्कोप ऑन किया और अब इस बंदे को मैं डैमेज दे दिया। ये लीजिए दोस्तों, इस बंदे को मैंने काफ़ी सारा डैमेज दे दिया। और अब इसके पास कितनी ज़्यादा हेल्थ नहीं बची होगी और मैं इसको इजीली किल कर दूंगा। और एक या दो बुलेट में ये किल हो जाएगा। और मैंने वैसे वापस से अपनी वही पुरानी वाली गन ले ली और ये देख सकते हो दोस्तों मैंने इसको किल कर दिया। तो देखते हैं इस बंदे के पास क्या लूट मिलती है। दोस्तों इसी के साथ हो चुके हैं मेरे पास 6 किल, 6 बंदे अलाइव हैं और काफ़ी सारी एमओज हैं। चलो मैं बुलेट्स वगैरह ले लेता हूँ यहाँ से। और मैंने दोस्तों यहाँ से बुलेट वगैरह कलेक्ट कर ली और यहाँ पे पड़ा एक हेल्थ किट। वैसे मेरे पास ऑलरेडी 3 हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ और कितने बंदों को मार पाता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप पहुँचा है लास्ट का सर्कल। 5 अभी अलाइव हैं, 5 मीन्स यानी एक मैं और 4 और बंदे हैं। तो उन 4 बंदों को देखता हूँ मैं किल कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता। या हो सकता है कि 4ों में से अगर एक भी प्रो बंदा होगा तो मेरे को ईजिली ठोक देंगे। तो ठोकना तो इतना ईजी नहीं है मेरे को इस गेम के अंदर, क्योंकि दोस्तों मेरा इस गेम के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। और अभी मेरे को सारी गन्स वगैरह के बारे में पता नहीं, लेकिन जब भी कोई मैच खेलता हूँ जीतता मैं ही हूँ, इतना मुझे पक्का पता है। तो ये लीजिए दोस्तों, अभी मैं इसके देखो ये कर दिए, मैंने इसके दोनों पांव ऊपर कर दिए और अब बच चुके हैं दोस्तों 3, ठीक है। तो अब ये 3 कहाँ छिपे हुए हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इनको ढूंढता हूँ और इनकी भी ठुकाई कर देता हूँ। और फिर से मुझे यहाँ पे कुछ टूल किट मिल गया। ये टूल किट का क्या यूज़ है ये तो मेरे को पता ही नहीं है, लेकिन मैं उठा लेता हूँ जो भी चीज़ मिल रही है मैं उसको उठा लेता हूँ। और गन के बारे में दोस्तों, जो मैं गन यूज़ कर रहा हूँ ये काफ़ी अच्छी गन है, स्कारल है, ये भी काफ़ी अच्छी गन है। और एक और वो शॉर्ट गन होती है वो भी काफ़ी अच्छी गन है। और सामने की साइड से मुझे एक पॉइंट दिखाई दिया, तो यहाँ पे ये देख सकते हो यहाँ पे बंदा है। और ये ड्रोन मुझे बता रहा है कि उस साइड कुछ बंदे हैं, तो पॉइंट दिख रहा था रेड। अब ये बंदा कहाँ है वो तो नहीं पता, लेकिन मुझे एक गाड़ी दिख गई तो मैं इस गाड़ी को ले लेता हूँ और उस बंदे को इस गाड़ी से ही मारूँगा, कुचल दूँगा, एक बार दिखते ही कुचल दूंगा। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने उठा ली यहाँ से गाड़ी और थोड़ी सी गाड़ी पे सैर करते हैं, बंदे को ढूंढते हैं और बंदे को कुचल दूंगा मैं इस गाड़ी से। तो भाई दिखना तो चाहिए बंदा है कहाँ, वैसे अभी कुछ पता ही नहीं है। और सर्कल काफ़ी तेज़ी से छोटा हो रहा है, तो ओबियसली वो बंदा सर्कल की ओर ही भागेगा। तो देखते हैं क्या होता है।
लीजिए। तो फिलहाल वो बंदा दिख नहीं रहा है, कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो सर्कल काफ़ी छोटा होते हुए दोस्तों, और ये लीजिए, मैं सोच रहा था इसको तोड़ के निकल जाएगी अब गाड़ी पर, नहीं तोड़ी, ये ठुक गई यहीं पे। चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर से गाड़ी चढ़ाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे तो मुझे फ़िलहाल कोई बंदा दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है मुझे, कोई भी बंदा नहीं दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे, ना ही कोई मेरे पे बुलेट फायर कर रहा है। पता नहीं ये प्रो बंदे हैं कि कैसे बंदे हैं। हाँ, अगर उनकी जगह मैं होता तो दोस्तों मैंने उसको स्पॉट कर लिया। और ये देखिए, ये कार के अंदर ये बंदा है, ये देखिए, और मैंने उसको टक्कर मारने की कोशिश की लेकिन बच गया। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा गाड़ी को ऊपर की ओर ले गया और दोस्तों मैंने एक और बंदे को यहाँ पे स्पॉट कर लिया। और आप लोगों को देखिए, ये गलती कभी भी नहीं करनी है। अगर आपकी तरफ कोई गाड़ी लेके आ रहा है तो आप लोगों को सिर्फ भागना है, ना कि उस पर फायर करना है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार हम उस बंदे को ईजिली किल कर देंगे जो गाड़ी वाला बंदा है, लेकिन दोस्तों ये गलत फहमी है, हम गाड़ी वाले बंदे को किल नहीं कर पाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे रुक गया और ये लीजिए मैंने इस पर फायर कर दिया और अभी भी ये बंदा दौड़ रहा है। भाई जल्दी से मर जाना ताकि मैं जीत जाऊँ। तो दोस्तों एक और मैं यहाँ पे टूल किट पड़ा हुआ है, मैं इस टूल किट को भी उठा लेता हूँ। ओ नो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सर्कल ने मेरे पे पुश कर दिया और ये देखिए वो सामने बंदा, देखिए ये देखिए। तो इसके मेरे काफ़ी सारे हेल्थ यहाँ पे उतार दिए, मतलब काफ़ी सारा डैमेज दे दिया। और ये बंदा ऊपर चढ़ गया है और ऊपर चढ़ के पता नहीं अभी क्या करने वाला है, मुझे नहीं पता। हो सकता है ये प्रो बंदा हो, इसीलिए इसके दिमाग में कोई तकनीक आ गई हो ताकि मैं ऊपर चढ़ूँ और मेरे को ये किल कर दे। तो देखते हैं क्या होता है। मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ, साइड में होता हूँ और शायद इस पेड़ के ही यहाँ पे मैं पोजीशन ले लेता हूँ। तो ये बंदा बैठ गया है वहाँ पे, या बैठ गया है लेट गया है, दोनों में से एक इस बंदे ने किया हुआ है। अगर खड़ा रहता तो मैं इसको इजीली हेड शॉट चिपका ही देता यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, मैं डरते डरते ऊपर जा रहा हूँ। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे खड़ा हुआ है और मैं इस पर एम करने की कोशिश कर रहा हूँ, एम नहीं लग पा रहा है। और ये लीजिए दोस्तों, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया किल और इसी के साथ हम जीत गए। तो दोस्तों इस गेम में मैंने की 9 किल। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते किसी अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना है तो आप बेशक अपलोड कर सकते हो।